Hello everyone, welcome back to my YouTube channel All About Optometry. Today I am going to explain about 9 types of bifocal, all about the histories and advantages and disadvantages. First of all, what is bifocal? Bifocal में दो ही focal length होता है, एक distance के लिए एक नज़दीक के लिए. That means आपको distance से नज़दीक के लिए आपको clarity मिलेगा, लेकिन इंटरमीडिएट पोर्शन के लिए जो आप बीच में देखने के लिए उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा. तो क्या क्या टाइप्स हैं, आइए चलिए देखते हैं. ये बाइफोकल का जो कॉन्सेप्ट है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था. इट इज़ ऑन 1785 ऑन 23rd मे. बिफोर हिज इन्वेंशन ही यूज टू ग्लासेस फॉर डिस्टेंस एंड नियर एंड ही गॉट टायर्ड विथ चेंजिंग लेंस अगेन एंड अगेन. सो ही डिसाइडेड टू फिगर आउट ए वे to make his glasses let him see distance and near at the same time. यहाँ पे रेफरेंस के लिए फोटो रखा हूँ, आप उसमें देख सकते हो जैसे किस टाइप में ये बनाया हुआ है. इट्स लाइक डिस्टेंस का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा पतला रहता है एंड नज़दीक का जो पोर्शन है थोड़ा सा मोटा रहता है. तो इसके लिए कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है. लाइक एडवांटेजेस में क्या है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू रहता है क्योंकि जो डिस्टेंस का पोर्शन बड़ा है. ऑप्टिकल सेंटर्स एडजस्टमेंट का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपको हाफ परसेंट ऊपर रहता है, हाफ परसेंट नीचे रहता है, तो उसका इतना टेंशन नहीं. तो इसके लिए क्रोमेटिक एवर्शन भी कम होता है. डिसएडवांटेज में देखा जाए तो लेंसेज आर हेल्ड टुगेदर बाय द आई वेयर एंड कम अपार्ट इजिली, तो ये निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. डिवाइडिंग लाइन प्रोड्यूसेस एनोइंग रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो एक लेंस नहीं है, दो लेंसेज एक ही जगह पर लगाए हुआ रखते हैं, तो इसके लिए रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आता है और उसी जगह पे डस्ट एक्यूमुलेशन एट द डिवाइडिंग लाइन बहुत ज़्यादा होता है. उसके बाद हम लोग का सॉलिड अपकर्व बाइफोकल हम लोग का इंट्रोड्यूस हुआ 1837 में. इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राउंडिंग द नियर पावर इन द लेंस एंड मोर डिस्टेंस करेक्शन वॉज देन ग्राउंड इन टू अपर बैक सरफेस. आप रेफरेंस पिक में देख सकते हो कि एक ही में बनाया गया है और डिस्टेंस का जो पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा ग्राइंड किया हुआ है, नज़दीक का सेम है. एडवांटेजेस देखा जाए तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है रीडिंग के लिए, लेस क्रोमेटिक एवरेशन होता है एंड कॉस्मेटिकली गुड देन द बेंजामिन्स बाइफोकल. दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज. बट डिसएडवांटेज इज लिमिटेड चॉइस ऑफ सरफेस पावर. उसमें ज़्यादा कोई भी किस्म का कोई भी तरीके का पावर आप ग्राइंड नहीं कर सकते हो. दैट्स अ वेरी मेन डिसएडवांटेज. सेकेंड थिंग, डिस्टेंस पोर्शन प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग बेस डाउन प्रिज्मेटिक इफेक्ट एंड इमेज जम. दिस द अगेन एन वेरी डिसएडवांटेज फॉर दिस ग्लासेस. एंड इन द थर्ड वन, ऑप्टिकल सेंटर कैन नॉट इजिली एडजस्टेड बिकॉज वी आर ग्राइंडिंग ओनली द अपर साइड. उसके बाद आता है परफेक्शन बाइफोकल जो हम लोग का 1888 में इंट्रोड्यूस हुआ था. इट वॉज सिमिलर टू द फ्रैंकलिन बाइफोकल but was cut in such a way that junction between top and bottom portion was common arc. The two portion were joined by beveling the contact edges such that they fitted together at the junction. It was like a modified Franklin bifocal. So advantages and disadvantages almost similar to the Franklin bifocal. परफेक्शन बाइफोकल ऑलमोस्ट इस टाइप का देखने के लिए है. ऑलमोस्ट जो आपने पहले देखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन उसके जैसा जो बाइफोकल सेम उसी तरह का है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है. उसके बाद आता है सीमेंटेड क्रिप्टॉप बाइफोकल. ये इन्वेंट हुआ था 1899 एंड इट वॉज फर्स्ट बाइफोकल लेंस टू मेक यूज ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल. इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग ए काउंटर सिंक एरिया एंड the surface of the major lens ophthalmic crown glass. जो main lens होगा वो crown glass का होगा. Then a flint glass was cemented into countersink area and surface was converted with a thin meniscus of glass cemented into place. तो main जो आपका major lens होगा वो आपका crown glass का होगा और जो आपका reading area जहाँ से आप पढ़ोगे वो आपका flint glass का होगा. The air power was generated because of refracting index of segment and the concave interface between the segment and major portion. देखने में कुछ इस तरह का होगा, दो मटेरियल आपको फ्यूज किया हुआ है इसमें. एडवांटेज में देखा जाए तो फर्स्ट सीमेंटेड हायर इंडेक्स मटेरियल ये है एंड ऑप्टिकली एंड कॉस्मेटिकली दोनों तरीके से बहुत ही अच्छा है. एंड डिसएडवांटेजेस में क्या है, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर बिकॉज ऑफ सिक्स सर्फेसेज हैड टू ग्राउंड एंड पॉलिश्ड.
ये सिक्स सरफेस आपको ग्राउंड करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, इसके लिए दिक्कत हो सकती है। एंड द सेकेंड थिंग इज सीमेंटेड सर्फेसेस टेन टू बी डार्केन, कुछ दिनों के बाद यूज होने के बाद वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, डार्क हो जाते हैं। एंड वेफर यूज टू कम अपार्ट आफ्टर सम टाइम। देन उसके बाद आता है फ्यूज क्रिप्टो बाइफोकल, जो हम लोग का 1908 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ए राउंड काउंटरस्टिक कैविटी वॉज ग्राउंड एंड पॉलिश ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ मेजर लेंस। द बैक सर्फेस ऑफ द राउंड फ्लिंट बटन वॉज ग्राउंड एंड पॉलिश टू ए कर्वेचर ऑफ रेडियस ओनली स्लाइटली लेस देन द काउंटरस्टिक कर्व। द फ्लिंट बटन वॉज प्लेस इन 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड at which it softened and fused to the counterstick। देखने में कुछ इस तरीके का है। The front surface of the fused lenses were ground and polished until there was a uniform anterior surface curve and edge of the flint button was eliminated। Any cylindrical compound had to be ground on the back surface of the lens, क्योंकि front में हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसको fuse किया जाता है, only back में हम लोग को करना पड़ेगा। Advantages देखा जाए तो segment does not collect dust, segment do not fall out or become discolored, जो पहले वाले में था problem इसमें नहीं आने लगा। Disadvantages में देखा जाए तो flint segment produce high chromatic dispersion, hence color fringes and chromatic aberration were produced। क्यों chromatic aberration होता है? क्योंकि वहाँ पर higher index लिया जाता है। Second में आपको आता है कि to prevent strain during manufacturing process along the fused surface, the coefficients of expansion of two glasses must be matched from fusing temperature to room temperature। मैंने आपको जैसे बताया था कि 600 to 700 centigrade में उसको बनाना होता है, तो ये बहुत difficult होता है। High speed polishing of the surfaces to be fused produces tension on the surfaces. During heating, the tension may be released, producing an irregular surface. Next आता है आपको greater excursion of eye is required to get into the widest part of the bifocal and insert needs to be given. These all are the disadvantages. After more research and invention, we have introduced D bifocal in 1915. It is also known as flat top bifocal. The button head upper half of the button of the same refracting index as the measure lens, but the lower half of the button was higher refracting index. They were first introduced by Unibis company in 1926. The first straight top bifocal to be patented was the B segment bifocal. Various modified forms of the flat top bifocals were introduced later. ये देखने में कुछ इस टाइप का है, इसलिए जो ऊपर का पोर्शन है रीडिंग का, इसको ये फ्लैट है तो इसको फ्लैट टॉप भी बोला जाता है। एडवांटेजेस में देखा जाए तो इसमें लेस ऑप्टिकल एवरेशंस है एंड इंसर्ट का कोई जरूरत नहीं होता है। एंड डिसएडवांटेजेस में दो नियरली इनविजिबल, its presence is obvious on inspection, the dividing line can cause certain problem like while climbing stairs। ये ठीक था, still उसमें थोड़ा सा भी problem था। Then we have introduced Altex bifocal, which is actually no more in the market, it was introduced in 1910। It is a one piece bifocal made out of ophthalmic ground glass. The edge of the reading segment is obtained by the change in curvature on the back surface of the lens. Altex A is ground with a central disc diameter of 38 mm. After grinding, the blank is cut into two lenses, each having a segment height of 19.38. If a segment height of more than 19 is required, then only one lens is cut from the blank। ये देखने में कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हो बैक साइड जो लोअर पोर्शन है, बैक साइड में हम लोग कट लें। एडवांटेजेस देखा जाए तो हैज लेसर क्रोमेटिक एवरेशन,
Secondly, spectacle may be ground in plus cylindrical form for person who can't adapt in minus cylinders. They can be used in principle in a dissimilar segment pair to compensative vertical imbalance. And disadvantages में क्या है, produces more image jump and prismatic effect इसमें बहुत ज़्यादा होता था. It is not available anymore. मैं आपको पहले बोला था ये market में अभी available नहीं है. Then we have introduced in 1954 its एग्जीक्यूटिव बाईफोकल जो अमेरिकन कंपनी ने इंट्रोड्यूस मीन्स डेवलप किया था. द नियर एड इज ग्राउंड ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द लेंस. द फ्रंट सर्फेस हैज मोर कन्वेक्स कर्वेचर इन द लोअर पर्सन देन द अपर पर्सन विच क्रिएट्स ए लेंस. आप देख सकते हो ये पिक्चर में देख सकते हो ये हाफ ऑफ द पर्सन आपका डिस्टेंस के लिए होता है, हाफ ऑफ द पर्सन नियर के लिए होता है. एडवांटेजेस देखा जाए तो इट हैज़ ए लार्ज फील्ड ऑफ व्यू. एग्जाम्पल फॉर अकाउंटेंट्स के लिए ये सब बहुत अच्छा होता है. हैज़ लेसर क्रोमेटिक एवरेशंस, मिनिमल प्रिज्मेटिक इफेक्ट. डिसएडवांटेजेस में ये बहुत हैवी होता है क्योंकि नीचे का पोर्शन इतना बड़ा होता है कि उसमें हैवी होने का चांसेस डेफिनेटली होगा. एंड द एजेस ऑफ द सेगमेंट चिप्स इजिली, बहुत जल्दी ब्रेक होने का चांसेस होता है साइड में. देन वी हैव डबल सेगमेंट बाइफोकल ऑल्सो, इट्स फ्यूज एज वेल एज वन पीस बाइफोकल. देखने में आपको सेम वन पीस जैसे लगेगा. अपर सेगमेंट एड 2/3 ऑफ द लोअर पावर ऑफ एड. ऊपर का जो एड होगा उसमें आपको नज़दीक का पावर से 2/3 पावर ही होगा. एंड स्ट्रेट टॉप एंड एग्जीक्यूटिव स्काइल. इट इज़ गुड फॉर क्लोज वर्क अबव आई लेवल लाइक इलेक्ट्रिशियन, जो पेंटर लोग हैं, लाइब्रेरियन होता है कि ऊपर भी देखना होता है, नज़दीक भी देखना होता है, तो उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा है. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel. Please press the bell icon कि आपका कोई new video आए तो आपको notification मिलते रहे. और अगर आपको कुछ भी new videos के बारे में आपको जानना है, कुछ भी topic के ऊपर जानना है, तो आप नीचे comment में बता सकते हो.